हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा नेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और पीजीटी के लिए अपलोड कर वीडियो के सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। लेकिन अब नेट का जो सिलेबस है वो तो काफ़ी चेंज हो गया है, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और पीजीटी के लिए तो बहुत ही उपयोगी हैं ये प्रश्न। आप इनको पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं के एम पन्नेकर। दूसरा प्रश्न है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं के एम कपाड़िया। बहुत फेमस बुक है, बहुत पूछी जाती है। तीसरी बुक है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं पी एन प्रभु। चौथा प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक हैं वेस्टर मार्क। नेक्स्ट, दी मदर्स नामक पुस्तक के लेखक, तो ये भी कई बार पूछी जाती है बुक, दी मदर्स के लेखक हैं ब्रिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायरो में संयुक्त परिवार को कहते हैं? तो नायरो में संयुक्त परिवार को कहते हैं थारवाड। सेवेंथ क्वेश्चन है, मुसलमानों में परंपरागत तलाक के कितने प्रकार प्रचलित हैं? परंपरागत तलाक के तो इनके 7 तरीके की हैं, तो आप नाम भी देख लीजिए। नंबर 1 तलाक, नंबर 2 इला, जिहर, खुला, मुबारत, लियान और तलाक के तफबीज। ये 7 तरीके की हैं। नेक्स्ट, मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को कहते हैं? तो ये एक तलाक है मुबारक, जिसमें दोनों की पारस्परिक सहमति से तलाक होती है। नेक्स्ट है, किसने विवाह को एक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें बच्चों की उत्पत्ति और लालन पालन का प्रावधान है? तो मैलनोवस्की ने सब जो है विवाह को एक संविदा कहा है, मैलनोवस्की ने। नेक्स्ट है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट, हरविलास शारदा जी ने बनाया था, ये उनकी अध्यक्षता में ये एक्ट बना था, तो ये पारित हुआ 1929। नेक्स्ट है, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो किया गया 1986 में किया गया। नेक्स्ट है, अलग रहने तथा भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो अलग रहने और भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946 में पारित हुआ। नेक्स्ट है, सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं, तो ये सामाजिक समस्याओं की है, सोशल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन है। तो ये क्या है? व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं, या कथन किसका है? तो ये कथन है पॉल लैंडिस का। नेक्स्ट, जातिवाद, ये जातिवाद की डेफिनेशन है, जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। तो यह किसकी परिभाषा है? यह है आपकी काका कालेलकर की है, जातिवाद की परिभाषा। 15वां क्वेश्चन है, राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। तो ये कथन किसका है? के एम पन्नेकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी, गरीबी से संबंधित है ये डेफिनेशन। गरीबी एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी क्षमता नहीं बनी रहती। क्या है? जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी क्षमता नहीं बनी रहती है। तो ये डेफिनेशन गरीबी की दी आपके वीवर ने। नेक्स्ट है, गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। तो यह है डॉक्टर योगेश अटल का कथन है, डॉक्टर योगेश अटल का। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 23, जिसमें बेकार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस सन में पारित हुआ?
ये पारित हुआ 1986 में। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी कहाँ है? तो ये नागपुर में है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।